अभी के मौसम में फ्रेंड इस तरह की सब्जियां बहुत मिलती है, तो आज मैं अरवी के पत्ती की सब्जी बना रही हूं और ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है। आइए देख। और अभी बारिश के टाइम में ये अरवी के पत्ते बहुत मिलते हैं, शायद आप लोग जानते भी होंगे अरवी के पत्ते को। तो ये ना फ्रेश पत्ते अभी लेकर आ गए थे, तो मैंने सोचा इसकी सब्जी बना लूँ। हेलो फ्रेंड, सिक्स फ्लेवर बाई रीत में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? तो इसे पहले हम खोल ले रहे हैं और सभी को अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। ऐसे छोटे बड़े पत्ते हैं, सभी को मिलाकर हम बनाएंगे। अभी मैंने ये सारे पत्ते को वॉश कर ली हूँ और अब हम इसे पहले एक बेसन का अच्छा सा घोल बनाएंगे, रैप करेंगे। तो ये हम बीज, इसका जो डंडी है ना, इस तरह से निकाल लेंगे और बड़े छोटे पत्ते मिक्स करके हम इसको फोल्ड करेंगे। तो सारे के डंडी इस तरह से निकाल लेंगे ताकि हमको फोल्ड करने में ये फटे नहीं। और अब हम इसके लिए ना एक घोल बनाएंगे, जिसके लिए हम कुछ ये बेसन लिए हैं और इसे हम बेसन दे देंगे एक कटोरी है। और ये लाल मिर्च, ये सरसों हम ग्रेवी में डालेंगे, ठीक है, लहसुन पेस्ट। और ये काली मिर्च, जीरा और ये हल्दी। और इसे हम अच्छा घोल के पेस्ट बना लेंगे, इसे हम ग्रेवी में डालेंगे। तो ये अभी इस पर लगाएंगे। अरवी पे नींबू ज़रूर लगाना चाहिए, कभी कभी कोई कोई अरवी जो होता है ना थोड़ा काटता है, मुंह में लगता है, वो इचिंग होता है, तो इसलिए उसमें नींबू ज़रूर डालना चाहिए। घोल इसको बना लेंगे हम, घोल ठीक घोल बनाएंगे। नींबू का रस डाल देंगे, कुछ भी खट्टा डाल सकते हैं, अमचूर भी डाल सकते हैं, तो हम नींबू का रस ही डाल रहे हैं इसमें। इस तरह हम नींबू सभी पे लगाते जाएंगे। इस ये लाल वाली दाल होती है ना, मसूर की दाल बोलते हैं, उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन हम चने वाली जो बेसन होता है ना उसमें बना रहे हैं। इसमें भी हम नींबू लगा देंगे। कुछ को हम इधर की ओर से दे देंगे ताकि चारों तरफ से जो थिकनेस होता है ना बराबर हो, कहीं मोटा हो जाएगा। सभी में हम नींबू लगा कर रख लिए हैं पहले से ही, और क्योंकि बार बार बीच में लगाना पड़ेगा तो टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए हमने लगा लिया है। और ये अच्छे से इसको एक हम छोटा वाला इधर से डाल देंगे। जितना पत्ता अगर डालना चाहे 5, 6, 7 एक साथ हम मोड़ देंगे इसको। और अब हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको आप तल कर स्टीम करके, या जब आप तलते हैं ना तो तलने के बाद भी ऐसे खा सकते हैं। हर फोल्ड पे हम ये लगा देंगे हमारा जो बेसन का घोल है, इसलिए कि ये खुलेगा नहीं, ऐसे भी नहीं खुलेगा, ये पूरा इसके साथ चिपक जाता है तो खुलेगा नहीं। अभी हम इसको फाइनल मोड़ लेंगे। के कारण लोग ना इसे धागा से भी बांध देते हैं, पर ज़रूरी नहीं होता है। ये जो हमने इतने अच्छे से ये लगाई हूँ ये घोल इसका बेसन का, तो ये खुलेगा नहीं,
और इसको हम प्लेट पे रख के स्टीम कर देंगे। इसी तरह हम सबको बनाकर रख लेंगे। हमने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और इसे हम थोड़ा भी कम कर दे रहे हैं। और आप चाहें तो इस पे नेट वाली जाली है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये ना पतला प्लेट दे रही हूँ और इस पे ही हम ये सबको रख देंगे। ये ना इसी पे, और इसे अच्छे से ढक देंगे, ये स्टीम हो जाएगा। थोड़ा सा सेट कर देते हैं और इसे हम, ताकि इसके अंदर स्टीम निकले नहीं, और ये करीब 10 से 15 मिनट में ये स्टीम हो जाएगा। स्टीम हो गया है, अब हम इसे ना पीसेस में काट लेंगे। अभी गर्म है, अगर थोड़ा ठंडा करके अगर बनाते हैं ना, ये हार्ड हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा इस तरह से। और इसे हम तल लेंगे, सभी को इसी तरह हम काट लेंगे। कटना है इसे, काट ले और इसे तल ले। ये इस तरह भी सॉस चटनी के साथ आप खा सकते हैं इसे, और ग्रेवी में भी डाल देंगे। इस तरह से हम तल लिए इसको, बहुत ही टेस्टी सब्जी होता है ये। और पहले तो लोग इसे ना सुखा करके स्टोर करके रखते थे, इस तरह से बनाकर ये तलेंगे नहीं, इसे धूप में सुखाकर और ये स्टोर कर लेते थे। और जब भी मन किया इसे तलकर पानी में भिगोकर और इसे फिर तल लेते थे, स्टीम करके और ग्रेवी में डाल देते थे। बिल्कुल, अगर जो नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, मैं तो सरसों के मसाले में बना रही हूँ, मैंने इसमें कोई प्याज वगैरह नहीं डाली हूँ, न गरम मसाला। इसे हम सरसों और अदरक लहसुन के पेस्ट में बना रहे हैं। और हमने अंदर इसे फोल्ड करने में भी, जो भी रैपिंग में जो डाली हूँ, उसे भी मैं लहसुन अदरक और सॉरी उसमें अदरक नहीं डाली थी, लहसुन के पेस्ट में ही बना के बेसन में घोली हूँ, प्याज नहीं डाली हूँ। तो ये अलग टेस्ट में बनता है, अच्छा लगता है सरसों के टेस्ट में ये सब्जी। और थोड़ा खट्टापन होना चाहिए, क्योंकि हमने नींबू या अमचूर डालेंगे तो खट्टा थोड़ा रहेगा। अभी हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसी तेल में बनाएंगे। इसमें हमने हींग डाल दिया थोड़ा सा, ये हम पचफोरन है ये हम डाल देंगे, इसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हम तोड़ कर डालेंगे, ये हमने लहसुन का, ये हमने लहसुन अदरक और टमाटर और पीली सरसों हमने पीसा था उसे हम डाल दिए हैं। और अब अभी इसी में इसके साथ सारे मसाले डालेंगे। हल्दी 1 स्पून, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च सिंपल वाली, और जीरा काली मिर्च हमने उसी में पीस दिया है। तो बस ऊपर से मुझे इतना ही मसाला डालना, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो ये सारे मसाले हमने, अदरक लहसुन लाल मिर्च काली मिर्च सरसों, यहाँ अभी मैं इसे अच्छे से सोने खुशबू तेल छोड़ने तक भून लेंगे। ये जो हमने तला है इसे आप ना ऐसे भी सॉस वगैरह के साथ खा सकते हैं इस तरह से। इतने तह ये बनता है ना, एकदम बहुत ही अच्छा। ये बेसन जो ऊपर का लेयर है बहुत ही क्रंची बना है, और इसे ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसमें हमने 1 स्पून दही डाली हो, जब पूरा मसाला भूनकर तैयार हो गया तब हमने दही डाला है। पानी डाल देंगे, चाहे तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं, नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। और ये मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने थोड़ा सा कुनकुना पानी इस पे ग्रेवी के लिए डाल दी हूँ।
और हमने ग्रेवी में टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। और ग्रेवी में हमारा रेडी हो गया है। अब जो पीसेस हम तले पीसेस सारे डाल देंगे और एक उबाल आने तक 2-3 मिनट कुक करेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। ये जो इसमें बेसन है ना, जब ये बनेगा ना तो ये ग्रेवी जो है अपने आप ठीक हो जाएगा। और इसे देखिए हम अभी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये रेडी हो गया। देखिए अभी ठंडा होने पे ना ये रस इसका ग्रेवी जो है ठीक हो रहा है। और अभी हम इसको थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं। और ये चावल पराठा रोटी किसी के साथ आप इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी। रेसिपी देखें और बताएं कैसा बना है, और कमेंट करें। आपके कमेंट में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है।